फेमिनिस्ट सुप्रीमो मायावती के भाई आनंद कुमार पर कसा शिकंजा। क्या भाई पर हुई कार्रवाई से बढ़ेगी बहन जी की मुश्किलें? बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में अपने भाई आनंद कुमार को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। माया ने आनंद कुमार को इतनी बड़ी जिम्मेदारी इसलिए दी ताकि वो पार्टी को फिर से खड़ा करने में उनकी मदद कर सके। इसके बाद से ही मायावती प्रदेश की 12 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई थी। लेकिन उससे पहले ही आनंद कुमार के खिलाफ इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई से बहन जी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जी हां, इनकम टैक्स विभाग ने यूपी की पूर्व सीएम और बीएसपी प्रमुख मायावती के भाई और भाभी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करीब 400 करोड़ रुपए के एक बेनामी प्लॉट को जब्त किया है। ये प्लॉट दिल्ली से सटे नोएडा में है। असल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पिछले काफी वक्त से आनंद कुमार के खिलाफ जांच कर रही थी। जांच के दौरान ये पता चला कि आनंद कुमार के पास नोएडा में 28,328 स्क्वायर मीटर एक बेनामी प्लॉट है। 7 एकड़ में फैले इस प्लॉट की कीमत करीब 400 करोड़ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक मायावती के भाई आनंद कुमार की 1,300 करोड़ रुपए की संपत्ति की जांच चल रही है। अपनी जांच के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आरोप लगाया है कि आनंद कुमार की संपत्ति में 2007 से 2014 तक करीब 18,000 फीसदी की वृद्धि हुई है। उनकी संपत्ति 7.1 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,300 करोड़ रुपए हो गई है। ऐसी 12 कंपनियां जांच के दायरे में हैं, जिसमें आनंद कुमार निदेशक हैं। आपको बता दें कि मायावती के भाई आनंद कुमार कभी नोएडा प्राधिकरण में मामूली क्लर्क हुआ करते थे। मायावती के सत्ता में आने के बाद आनंद की संपत्ति अचानक तेजी से बढ़ी। उनके ऊपर फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों रुपए लोन लेने का आरोप भी लगा। कहा जाता है कि साल 2007 में मायावती की सरकार आने के बाद आनंद ने एक के बाद एक लगातार 49 कंपनियां खोली और देखते ही देखते 2014 में वो 1,316 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए। आनंद नवंबर 2016 में नोटबंदी के दौरान उस वक्त चर्चा में आए थे जब उनके खाते में अचानक 1.43 करोड़ रुपए जमा हुए थे। वैसे ये छापेमारी भले ही आनंद कुमार के खिलाफ हुई हो, लेकिन इससे मायावती की परेशानी बढ़नी भी करीब करीब तय मानी जा रही है। इंडिया न्यूज़ भारत की रिपोर्ट।